हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गाय को बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में फॉर आरजेपीवी सीएसई फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। और इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मैथमेटिक्स 3 का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बता दिया है। एल्गोरिथम जो आपका सब्जेक्ट है उसके भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए बेटा। साथ ही साथ जो हमारा COA था इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, ठीक है? प्लेलिस्ट ही बना दिया मैंने फोर्थ सेमेस्टर CSE वालों के लिए कि आपका जो पांचों सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक जगह पर हो जाए ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? एक और इंक्वायरी रहा था, हमारे आईटी वाले बच्चे थे और आईटी वाले बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये जो COA है हमारा, ठीक है, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपन फॉलो कर सकते हैं। देखो बेटा, एक बात समझना, अगर आपका सब्जेक्ट कॉमन है तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया है आप अगर उतना करके जाते हो, क्योंकि अच्छे से मैंने चूज करा टॉपिक को सेलेक्ट कर करके, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ छूटा है, लगभग जो भी 12-13 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके जितने भी टॉपिक्स है ना वो कहीं ना कहीं सबको टच कर देता है, ठीक है? तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का यही होता है बेटा कि बच्चे ऐसे रहते हैं कि सर आप बता दो तो मैं पढ़ लेता हूँ। चलो यार, आप लोग इतना मोटिवेट करते हो तो मुझे करना पड़ता है कि मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे, सर आप बना दो ना हम तो कर लेंगे। मैं उनको बोलता हूँ देखो ऐसे ऐसे कर लो, फिर भी वो नहीं मानते हैं। चलो कोई बात नहीं है, इतना प्यार और सपोर्ट है। और ये देखो हमारा 99.7K सब्सक्राइबर भी हो गया, और जिसका डर था वही हुआ है। अब लोगों सर क्या डर था क्या हुआ है? अब यार एग्जाम का टाइम आ गया और हमारा 100K सब्सक्राइबर भी होने वाला है। अब सवाल ये है कि जो पार्टी मैं आपको दूंगा वो कब दूं? अब पार्टी या तो एग्जाम से पहले या तो एग्जाम के बाद। तो भैया कमेंट करके बताना, थोड़ा पब्लिक का भी मूड में जानो कि पार्टी आप लोगों को कब लेना है। एग्जाम से पहले भी अपन कर सकते हैं, है ना? पहले मतलब क्या, 10-11 तारीख को भी कर सकते हैं अपन पार्टी। एग्जाम तो फिर भी आपके 25 तारीख से 15 दिन पहले, या तो एग्जाम के बाद कर सकते हैं। तो कमेंट पे जरूर बताना कि भैया आप लोगों को पार्टी कब चाहिए, ठीक है? चलिए बेटा, यूनिट वन में इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लो, टोटल 10 क्वेश्चन है यूनिट वन में, ठीक है? और बेटा एक काम करना, आप कोशिश ये करना कि इस क्वेश्चन जो भी है ना इसको आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना। इससे क्या है कि जो आपका आंसर होता है ना थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है? वैसे अगर आप थ्योरी लिखोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करना, जो भी चीजें आप करो, जो भी आंसर आप दो उसको पॉइंट वाइज देने की कोशिश करना, एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना? तो इसमें उतना परेशान नहीं होना, मिला जुला के अगर 4 यूनिट भी करके जाओगे आपका काम हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 1 आप कर लीजिए, 1 में सिर्फ मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यूनिट नंबर 2 है ना? और यूनिट नंबर 2 में शायद है आपके 12 क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल लगा लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल छोड़ देना। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो यूनिट नंबर 2 का, है ना? ये 10 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे नंबरिंग गलत है, 13 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है? और इसमें जो न्यूमेरिकल है उसको भी आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे 10 और 13 हो गए 23 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो देखो बेटा, यूनिट नंबर 3 बहुत बड़ा है और ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी ज्यादा है, ठीक है? तो यूनिट नंबर 3 में मुझे लगता है टोटल 16 क्वेश्चन मैंने दिया है, आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? और मेरे हिसाब से अगर आप 1, 2, 3 और 4 अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। लेकिन 5, 5th का भी मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया क्योंकि 5th भी छोटा है, ठीक है? अब आ जाइए 4th में भी 10 क्वेश्चन है बस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 5th में भी क्या है आपके, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इसको ले लीजिए अच्छे से। ये हो गया 4th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हो गया 5th के। तो 4th तक भी पढ़ के जाओगे तो काम हो जाएगा आपका, घबराना नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना? मैथमेटिक्स 3 का अगर किसी को कोर्स चाहिए तो फीस अभी 699 चल रहा है, ठीक है? तो आप वहां से जाके ले सकते हैं बेटा। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला, यूनिट नंबर 1, 2, 3 अगर इतना भी कर लेते हो आपका काम बन जाएगा, लेकिन बैकअप के तौर में यूनिट नंबर 4 कर लेना। थ्योरेटिकल ज्यादा है यहाँ पर, तो पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो क्या है, थोड़ा अच्छा लगता है और टीचर को नंबर देने में बनता है। तो यहाँ पर छुरी मत, पूरा कहानी मत लिखना, आप क्या करना, कोशिश करना आंसर को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अच्छे नंबर मिल पाए। टारगेट करो सभी को क्या आ जाए भैया, B+ मिल जाए, क्योंकि ये इजी है, उतना टफ नहीं है, ठीक है? COA और एल्गोरिथम से तो इजी है
ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपन नहीं, और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, अपना मतलब पार्टी कब चाहिए आपको भैया कमेंट कर दीजिए अभी से, ठीक है, बाय।